हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग दिन रविवार, मार्गशीर्ष माह, पंचमी तिथि, शुक्ल पक्षी, हेमंत ऋतु, सूर्योदय 6:44 और सूर्यास्त 5:15, पश्चिम दिशा सूर्य, धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और हेमंत ऋतु दोस्तों आज सूर्य देवता की पूजा रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा और पूजा विधान हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार चमत्कार का द्योतक माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज विवाह पंचमी का भी शुभ दिन है। यह पूजा इस दिन जो है पूजा सूर्यदेव की पूजा व्रत करना, स्नान स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ स्थापित करके भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या उनका स्मरण किया जाता है। धूप दीप, फूल, तिलक, कुमकुम, रोली, गुलाब आदि चीज़ें भगवान पर अर्पित की जाती हैं। श्री राम जी को पीले वस्त्र और सीता जी को लाल वस्त्रों का उनकी मूर्ति पर समर्पित करना चाहिए। श्री राम और अनेक प्रकार के भोग लगाकर श्री रामचंद्र कपालु भजमन हरण भव भय दारणम नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पंजारणम कंदर्पगणित छवि नवनी नीर सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुजि नौम जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल संधर संदनम सिर मकुट कुंडल तिलक चार अंग विभूषणम आजान भुज सर्राप झर संग्राम जित खर दीषणम इति वदे तुलसीदास शंकर शीश मुनि मन रंजनम मम हृदय कंद निवास कर कामा दिखल दल गंजनम। इस प्रकार सूर्यदेव का की आरती पूजा का विधान आज विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान राम और सीता जी का स्मरण करके अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करके अर्घ देने का प्राविधान है और आदित्य हृदय सूत मंत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव की कृपा बरसती है। दोस्तों आज विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता जी का की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार रविवार सूर्यदेव की भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और रविवार पूरे सप्ताह के दिनों का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि यह हमको सामाजिक और आध्यात्मिक भावों से जोड़ता है। हम समाज के परिवेश से संपर्क स्थापित करते हैं और विश्राम का दिन है। इस दिन दोस्तों तांबे के बर्तनों का प्रयोग भगवान की पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अर्घ तांबे का अर्घ होना चाहिए। सभी तांबे के बर्तनों को भगवान सूर्यदेव की आराधना करने के लिए उत्तम माना गया है और इस दिन कभी भी तांबे के बर्तनों को की खरीदारी बेचना नहीं चाहिए और
सूर्यदेव की आराधना करने से दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोग और कष्ट का निवारण होता है। मानसिक शांति के द्योतक हैं और सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों के द्योतक भी माने जाते हैं। सूर्य प्रकाश पुंज और संसार को प्रकाशित करने के सबसे बड़े स्रोत हैं, प्रतीक हैं। और इस दिन दोस्तों खास तौर से सादा भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन करने से वर्जित करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव की उपासना का ये विधान है और सूर्यदेव को जल सूर्योदय होने के एक घंटे के अंदर सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य भगवान को, जो कि बहुत ही हमारे जीवन में फल प्रदान करते हैं। और सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद तीन बार सूर्य भगवान की परिक्रमा करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए और धरती माता को प्रणाम करके फूल चंदन लाल रोली और लाल फूल वस्त्र से भगवान सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने और सीता माता ने हमेशा स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को की पूजा उपासना की, अनेक प्रकार के इस प्रकार के विधान मिलते हैं। जब भी वह स्नान करते थे सूर्य अर्घ और सूर्य भगवान को बहुत मानते थे, सूर्य भगवान की आराधना करते थे। इस प्रकार दोस्तों शास्त्रों के विधान के अनुकूल सूर्य भगवान की पूजा से पूजा अर्चना उपवास व्रत ध्यान और सूर्य आदित्य स्रोत मंत्रशी का पाठ करने से हमारे अंदर प्रकाश की ज्योति के समान हमारा जीवन प्रकाशित होता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं और हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों रामचरितमानस का प्रसंग अनेक प्रकार से, जब सुमंत भगवान रामचंद्र जी को वन में चित्रकूट में जब भगवान रामचंद्र जी वास किया और सुमंत जी को अयोध्या लौटना था, वो अयोध्या को लौटे और लौटने के बाद उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। दोस्तों भक्ति और पूजा साधना जिस किसी भी मनुष्य के जीवन में हो पनपती है, भक्ति भाव में जो पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाते हैं, चाहे कोई भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, परम ब्रह्म परमेश्वर का आशीर्वाद हर युग में है, उसका रूप परिवर्तन है और परमात्मा का आशीर्वाद हर युग में होता है। जो मानव अवतार लेकर के इस संसार को में ज्योति का सृजन करते हैं, इसी प्रकार मानव भी अपने जीवन को भक्ति भावों से, सच्ची लगन से, सच्ची सोच से, सच्चे कर्तव्य पथ से अपने मार्ग को सफल करके भगवान की का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना करके इस संसार के मोह बंधन और अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों से भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान भक्ति में लीन होने की प्रेरणा हमें परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के स्वरूप में मिलती है। रामचरितमानस में इसी प्रकार का प्रकरण है। हम दोस्तों अपने स्वयं को खोकर जब हम स्वयं को भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं तब हमारे अंतःकरण में सत्य जागता है। तो स्वयं को खोकर ही स्व की प्राप्ति हमें होती है। जैसे
जब अपने को जैसे बीज जो होता है दोस्तों, जब अपने को गला देता है, मिटा देता है, तभी उसमें नवजीवन अंकुरित होता है। वैसे ही मैं बीज हैं, वह आत्मा का बाहरी आवरण और खोल है। इस मैं के टूटने और मिटने पर ही अमृत जीवन के अंकुर को जन्म दे अमृत रूपी जीवन का जीवन के अंकुर का जन्म होता है। और इस सूत्र को आत्मसात करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। यदि हमें सच्चे अर्थों में इसको प्राप्त करना है, पाना है, तो मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। मिलने के भाव हमारे अंतर्गत है, तो बूंद जब सागर में खो देती है, एक बूंद होती है वह सागर में विलुप्त हो जाती है। सागर में एक एक बूंद को अपने अंदर समाहित करने की जिस प्रकार शक्ति होती है, तो इसी प्रकार हम एक एक भाव से भगवान के रूप में समा सकते हैं। मैं आत्मा हूँ पर अपने में खोजने पर सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम मैं आत्मा हूँ कहते हैं तो अपने में खोजने के सिवाय वह कहीं वासना में उसकी प्राप्ति नहीं होती है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सारा जीवन वासनामय हो गया है, तो यह वासना कुछ होने कुछ पाने की चाहत रखता है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष कुछ होने कुछ पाने की दौड़ में और इस लगातार हो रही दौड़ का कोई अंत आदि और अंत नहीं, क्योंकि जैसे ही जो उपलब्ध होगा वह व्यर्थ हो जाएगा। चाहते हैं पुनः अनुपलब्ध पर टिक जाएंगी वासना आकाश क्षितिज की तरह हैं। जैसे आकाश क्षितिज होता है उसी प्रकार हमारी वासनाएं भी हैं। इससे जितना भी निकट पहुंचो वह ठीक उतना ही दूर हो जाता है। हम इसके जितना निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं या हमसे दूरी बनाने की कोशिश कर जाता है। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि वह तो कहीं है ही नहीं, केवल एक प्रतीति है। हमको इस प्रकार का एहसास होता है। भ्रांति भर है, सत्य नहीं है। अगर हम वास्तविक सत्य की खोज करते हैं तो वासना जो है एक सत्य नहीं है। मायावी वासनाओं के चाहे कितने ही निकट हम जाएंगे वह उतनी हमसे दूर बनी रहेंगे, यानी वह हमसे दूरी बना के रखेंगे। इसी प्रकार दोस्तों वासनाओं की वह भ्रांति आत्मा का विरोध नहीं, उस पर आवरण है। यह कुहासे और धुएं की तरह है जिसमें हमारी सत्ता छिपी हुई है। हम जो नहीं हैं उसके लिए दौड़ते भागते रहते हैं, इसलिए जो हैं उसके अनजान रह जाते हैं और उसे देख नहीं पाते हैं। एक क्षण को भी वह होने की दौड़ में वासना की चाहते न हों तो जो हैं वह प्रकट हो जाता है। एक क्षण भी आकाश में बदलियां न हों तो सूरज चमकने लगता है। सोचने की बात है दोस्तों, हर चीज़ में कुछ न कुछ भाव छुपे हुए हैं। यानी इस सब कुछ होने की भागदौड़ का अभाव, स्वयं में अपने आप में ठहराव ही तो ध्यान है। जो हमारे अंतःकरण में ठहराव के भाव आते हैं वही हमारा वास्तविक ध्यान है। ध्यान के इन क्षणों में कितना अचरज है, आश्चर्य है, अचंबा है, क्योंकि इसमें हम उसे पाते हैं। इनमें हम
इन चीज़ों में हम उनको पाते हैं, जो हैं इन क्षणों में वह सब मिल जाता है, जो हम चाहते हैं वही मिल जाता है, जिसके लिए चाहते हैं जगी हुई थी। आत्मा का दर्शन वासना को पूर्ण तृप्ति है। दरअसल दोस्तों वहाँ कोई अभाव ही नहीं है, अभाव तो वासना के विचारों में है और यही अज्ञान है। ज्ञान में विचार नहीं दर्शन होता है, इसीलिए विचार का मार्ग ज्ञान तक नहीं ले जाता है। निर्विचार चैतन्य ज्ञान का द्वार है। जब हमारे अंतःकरण में चैतन्य और निर्विचार आ जाते हैं, वही हमको ज्ञान के द्वार पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार की हमारे जीवन में हमारी मनस्थिति में वास्तविक ज्ञान तभी समाहित होता है जब हम निर्वाण शून्य की स्थिति प्राप्त करके शांति का आभास करते हैं और स्वयं को खोकर ही हमको सत्य की प्राप्ति होती है। जब तक हम परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे और पूर्ण रूप से उसमें अपने को साधक के रूप में उसमें तल्लीन नहीं करेंगे, तब तक हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यही दशा सुमंत जी परम ब्रह्म परमेश्वर राम परमात्मा की भक्ति में और पूरे अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का दोष न होने पर भी, किसी प्रकार की गलती न होने पर भी अपने अपने अंतःकरण में भी आत्मसात करते हैं, क्योंकि भक्ति भाव एक ऐसी संरचना है, ऐसे भाव हैं जो हमारे अंतःकरण में जब विराजमान हो जाते हैं तो हमको सारा संसार शून्य दिखने लगता है और अनेक प्रकार के भौतिक और मायाई चीज़ें हमको शून्य लगने लगती हैं। दोस्तों सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए, मानव का जीवन शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही चला जाता है। बीच की जो अवधारणाएं होती हैं, यही हमारे भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने इस मर्यादा को जगाने के लिए, इस मर्यादा को हमेशा सजो कर रखने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की रचनाएँ करके, तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की जो आज भी हमारे सम्मुख साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। तब सुमंत जी के हृदय में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम सिंह के प्रति जो स्नेह था और राजा के आज्ञा का जो पालन, जो अनुपालन करने की शक्ति उनके अंतःकरण में थी, तब वह कहते हैं श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया और दूसरे में इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना के लिए इस शरीर को धारण करवाया है और जो पापी संसार में जो पापी जीव होते हैं वह नरक भोगने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। इस प्रकार से अपने आप को कोसा मात्र किस कारण राम चंद्र जी जो 14 साल का वनवास लेकर के अनेक प्रकार की चुनौतियों से, कठिनाइयों से, यातनाओं से, विषम परिस्थितियों से अपने जीवन को मानव रूप में अवतरित होकर के मानव के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, उन्हीं भावों से प्रेरित होकर के सुमंत जी जब जो राजा के परम प्रिय थे, राजा के सहायक थे, राजा दशरथ के परम मित्र थे, उनके ऊपर पूरा भरोसा करके
राजा ने उनको रामचंद्र के साथ भेजा और तब सुमंती जी के हृदय में वास्तविक करुणा के भाव सृजित होते हैं और उन्हीं भावों से विरत होकर के वो अनेक प्रकार से अपने मन को कोसते हैं, अपने हृदय को कोसते हैं, भगवान भक्ति में लीन हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र से वह विरह की आग में जल रहे हैं और राम भक्ति से वह बिछोड़ रहे हैं, इसीलिए वह अपने आप को कोसते हैं। तब वह कहते हैं, यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर व्रत रथवा विदा के करि विनय निषादा फिरी पाए बलि विकल। तमसा नदी के किनारे जब सुमंत जी पहुँचे थे तो वहाँ पर रामचंद्र ने विश्राम किया, उसके बाद वह आगे बढ़े। फिर गंगा नदी में स्नान किया, जमुना में स्नान किया, प्रयागराज में वह गए, उसके बाद वह चित्रकूट पहुँचे। तो तब वह कहते हैं, यही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथवा, यानी सुमंत जी कहते हैं कि इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, उनका पछतावा इस प्रकार का था जब वह अयोध्या को लौट रहे थे, तो इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। अब वह आप पर पहुंचे जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो तमसा नदी के किनारे वह पहुंचे। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया और वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पर कर लौटे। तब वह भी अपने जहाँ भी उनकी दिनचर्या थी, गंगा के तट पर वह अपना विश्राम करते थे, वहीं अपना रोजी रोटी कमाते थे, तो उन्होंने उनको भी वहाँ पर चार जो निषाद ने उनको चार लोग भगवान रामचंद्र के साथ आगे बन जाने के लिए सुमंत के साथ भेजा था सहायता के लिए, तो उनको भी उन्होंने वहाँ पर छोड़ा। पैठत नगर सचिव सकुचाई जन मारे सुगुरु बाहन भागाई बैठ बीतप तरु दिशोर गवावा सांझ समय तब अवसर भावा। तब नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री ग्लानी के कारण जब नगर में प्रवेश कर जाते हैं अनेक प्रकार की इस प्रकार के भाव उनके बदलते हैं, उनको अपार ग्लानी हो जाती है, अफसोस हो जाता है, अपने हृदय को अपने आप में ही उनको एक प्रकार से ग्लानि का अनुभव करते हैं, ऐसे संकुचित हो जाते हैं, संकोच करते हैं, ग्लानि करते हैं। और पैठत नगर सचिव जो है राजा के सचिव थे, दोस्तों मंत्री थे, सकुचाई जन मारे सुगुरु भा भन गाई, ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु जन मारे सुगुरु भावन गाई, गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हूँ। अब अनेक प्रकार से तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, उनकी परिदशा को देख करके राम विरह में किस प्रकार से वह व्याकुल हो गए हैं, किस प्रकार से विरह की अग्नि में वह प्रज्वलित हो रहे हैं, इस प्रकार से उनका विरह की आग उनको लगी हुई है। इस प्रकार दोस्तों वह इस प्रकार के भावों को जैसे ऐसे संकुचित होता है मानो गुरु और ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। गुरु है, ब्राह्मण है, गौ है, ये तीनों पवित्र आत्माएं होते हैं दोस्तों। हमारे मानव जीवन जब इस संसार में अवतरित होता है तो मानव का जीवन पाना और गुरु के रूप में सेवा करना और गौ का आशीर्वाद, ये बहुत ही इस सृष्टि के अंदर बहुत ही पवित्रता का सूचक माना जाता है। इस प्रकार के जैसे उनको वह मार तीनों किसी को मार के आए हों, इस प्रकार का वर्णन जो है तुलसीदास ने बड़े ही सुमंत जी की के विरह का वर्णन उन्होंने किया है। और सारा दिन बैठ बीता बतारो दिवस गवावा, सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, सांझ समय तब अवसर पाया, और तब संध्या हुई तब उनको मौका मिला। जब संध्या का समय हुआ,
समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो अयोध्या लौटें, किस प्रकार से अपने भावों को कहें, किस मुंह से वो अयोध्या जाएं। अनेक प्रकार की किसी प्रकार का दोष निर्दोष होने पर भी अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन करते हुए भी रामचंद्र जी की विरह की आग में इस प्रकार से व्याकुल हो जाते हैं। तुलसीदास जी भी उसका वर्णन करने में संकोच कर रहे हैं। अवध पे भी सुकीन अधियारी पैज भवन रस राग हुआ, अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं और न रामचंद्र जी को वापस लाए, न लक्ष्मण को लाए, न सीता को लाए, किसी को भी वापस नहीं ला पाए। सब लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार हो गई सोई जो राम रज राखा को करी तरक बढ़ा हुई सका। इस संसार में परमात्मा का परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जिस व्यक्ति को जिन कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस संसार से मुक्ति पाता है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन सुमंत जी के अंदर भक्ति भाव पूर्ण रूप से समाहित हो गई है। तब वह अवध पे भी सुकीन अधियारी वैद्य भवन रसुराग द्वारी अधीरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुस गए और जिन जिन समाचार सुनी पाई, जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वो उपद्वार रथ देखने आई। सभी लोग रथ देखने राजद्वार पर खड़े हो गए। अब पता चल गया कि सुमंत्र जी यानी रामचंद्र जी का समाचार राम भक्ति में लीन है, रामचंद्र जी किस हालत में हैं, क्या कैसे वन में हुआ, किस प्रकार से जा रहे हैं। सभी को यही था कि राम वनवास कैसे जाएंगे, वन में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ हैं, परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं, राक्षसों की माया है, तो ऐसे वन में ऐसे राजमहल में रहने वाले कोमल शरीर के राम लक्ष्मण सीता कैसे वन में रहेंगी। सभी लोगों को एक टाइप की उत्कंठा है, सुनने के भाव हैं, सुनना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि राम क्या हाल है। दोस्तों, मानव जीवन में अवतरित होकर के परमात्मा ने इस प्रकार का की रचना रची, स्वाभाविक है दोस्तों मानव जीवन में अगर कोई इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में फंसा रहता है तो हर एक आदमी उनके हाल पूछने समाचार पूछने का ये हमारे मन में एक प्रकार के भाव रहते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, रथ पहचान विकल रखी घोरी गहें गाद जिमी आत्मरोरी। भगवान रामचंद्र जी का स्पेशल विशेष रथ था दोस्तों जिसमें वह चलते थे। तब नगर नार नर व्याकुल कैसी निगटत तीर मीन गंधेसी। अब पूरे नगर के लोग किस प्रकार से व्याकुल हैं उसका वर्णन तुलसीदास ने किया है। रथ पहचान विकल रखी घोरी, रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर। अब घोड़े भी उस रथ में थे जिस रथ में भगवान गए थे, तो घोड़े तो घोड़ों की हालत भी जो उनके रथ में घोड़े लगते थे वह भी बहुत ही परेशान हुए थे, राम भक्ति में नहीं थे, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही व्याकुल थे, परेशान थे, न वह अपना कोई चीज़ खा रहे थे न वह कर रहे थे। तो ऐसे भावों को तुलसीदास ने साक्षात रूप में ऐसा वर्णन किया है। तो रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर, घोड़े भी दुखी हो गए थे और उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे, क्षीण हो रहे थे, जैसे घाम में जब धूप होती है धूप में ओले जो हैं गिरते हैं, तो जिस प्रकार घाम में जो है ओले गिर जाते हैं, इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन जब बिना रामचंद्र जी के वहाँ कोई भी नहीं आया, कोई लौट के नहीं आया, तो और यानी अयोध्या का परिवेश इस प्रकार का हो गया कि मान लो घाम में ओले पड़ गए हों। कहने का तात्पर्य ये कि दुख में दुख का प्रवेश हो गया। जब सुख यानी चारों तरफ से चहल पहल है, सब कुछ है, लेकिन उसमें ओले गिर जाते हैं, तो सब जो आशाएं होती हैं वह निराशाओं में परिवर्तित हो गई। नगर नार नर व्याकुल कैसी, नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे निगटत नीर मीनगन जैसी, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। अगर किसी नदी में जहाँ पर मछलियाँ होती हैं अपने जीवन को पालती हैं,
मछली का जीवन ऐसा होता है जो जल के बिना नहीं रह सकते हैं, और उनका जीवन भी उसी प्रकार हो गया जैसे मछली जो है जैसे जैसे नदी का जल घटता है, किसी तालाब का जल घटता है जहाँ पर मछलियाँ पलती हैं, वह घटने पर मछलियाँ तड़पती हैं, परेशान हो जाती हैं। इसी प्रकार सुमंत जी के आने पर जब वह घोड़ों को निराश देखते हैं, रथ में कोई नहीं आता है, ऐसी परिवेश को देख करके, ऐसी परिदशा को देख करके उनके हृदय में इस प्रकार का हो गया जैसे मछली पानी के बिना तड़प रही हो। जैसे ही पानी घट जाता है, घटने के बाद मछलियाँ इस प्रकार तड़पती हैं, उसी प्रकार वहाँ की प्रजा अयोध्या की प्रजा भी उस प्रकार तड़पने लगी। सचिव आगमन सुंदर स्वभाव विकल भय रनिवास भवन भय भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। तब सचिव आगमन सुमंत जी के आगमन पर राजा दशरथ के जो मंत्री थे सचिव सुमंत, मंत्री का अकेले ही सबसे बड़ा कारण ये था कि किसी को भी वह लौटा के नहीं आए, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी जो भी रामचंद्र जी अपनी मर्यादा के अनुसार माता की आज्ञा का पालन करता था, पिता की आज्ञा का पालन करना था, माता की राय का पालन करना था, प्रजा और अनेक प्रकार के मर्यादा की सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा की भूमिका को अदा करना था, इसीलिए वह अकेले आए। आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया, बहुत ही व्यथित हो गया, दुखी हो गया। सब विकल भयो रनिवास हूँ और भवन भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान से यानी शमशान हो गया हो। अयोध्या ऐसी लग रही है अवध वहाँ जहाँ राम निवास हूँ, दिवस वहाँ जहाँ भानु। भगवान जब दोस्तों परमात्मा अपने स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो वहीं पर परमात्मा अपना उस प्रकार का परिवेश बना जाते हैं, और जहाँ से वह बिछुड़ते हैं वहाँ पर यानी अयोध्या का वातावरण को इस प्रकार का लगने लगा जैसे शमशान में क्या होता है, शांति होती है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, सब लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सब शांत हो जाते हैं। और इसी प्रकार शांत वातावरण हो गया, किसी प्रकार की खुशी नहीं है, किसी अनेक सबके भाव बिल्कुल विलीन हो गए हैं, सब राम विरह में व्याकुल हो गए हैं। इस प्रकार का परिदृश्य तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि राजा ने सोचा था, राजा ने इस प्रकार की आज्ञा दी थी कि सीता जी की कोमल वाणी, कोमल शरीर, कोमल अंग और इस प्रकार के कोमल हाथ पैर होने से वह बन के योग्य नहीं है, उनको लौटा के लाना। लेकिन पूरा रथ खाली देखकर और घोड़ों को निराश देखते हुए और सुमंत जी तो बहुत ही दुखी हो गए, ऐसे परिवेश को देख कर के पूरा राजमहल ऐसा लग रहा मान लो शांत हो गया, शमशान जैसा बन गया। शमशान में जिस प्रकार सन्नता रहता है उसी प्रकार वहाँ भी सन्नता। अति आरत सब भूषण रानी उतर नाओ विकल भिवानी, सुनई न सुवन नयन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा नृपति ही थी पूजा। तुलसीदास ने दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को साक्षात रूप में उनकी भक्ति भाव की है, और वह इस प्रकार की के भाव व्यक्त किए हैं कि अपने साक्षात ब्रह्म समझ करके उन्होंने परमात्मा की भक्ति भाव किया है। जब श्री सूरदास जी ने जो है सखा भाव में अपना वृतांत किया है, लेकिन तुलसीदास जी ने स्वामी भाव में परम ब्रह्म रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की भक्ति की है। तब अति आरती सब पूछे रानी, अत्यंत आर्त भाव से दुखी होकर के सभी रानियां पूछती हैं, पर सुमंत को सुमंत जी जो है निरुत्तर हो जाते हैं, किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उनके मुँह से किसी प्रकार का ये भाव नहीं का कोई किसी बात का उत्तर वह नहीं दे पा रहे हैं। तब सुनई न सुवन नयन नहीं सूझा, यानी
विकल हो गई हैं, वह इस प्रकार से उनकी वाणी रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से दिखाई देता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है? तब वह कहते हैं, कहो कहाँ अनुभूति ही नहीं बूझा। जितने लोग भी वहाँ आते हैं वहाँ पर ये पूछते हैं कि राजा कहाँ है, उनके बारे में बताइए। दास न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लवाई, जाय सुमंत दीख दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा। तब क्या होता है, दासियां दास न दीख सचिव बिकलाई, दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर, जो राजमहल की दासियां थी जो सेवा भाव करती थी, राजमहल में अनेक दासियां थी जो भगवान की सेवा करती थी, राजमहल की सेवा करती थी, मंत्री को इस प्रकार से दुखी देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई, उनको ले गई। और तब जाए सुमंत दीखस राजा, सुमंत ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। इस प्रकार के स्वरूप को देखा कि वह बिल्कुल उनके अंतःकरण में जो राजा की एक छवि होती है वह छवि बिल्कुल ही निरस हो गई है, यानी बिना अमृत का चंद्रमा के समान राजा की छवि को देख करके सुमंत जी कुछ भी कहने में स्तब्ध हो गए, किसी बात को कहने में संकोच कर रहे हैं। आसन शयन विभूषण ही ना धरेऊ भूमि तल निपट मलिना, ले उषा सुशोच ही भांति सुरपुरुति जब खजऊ खजऊ जजाती, यानी आसन शयन विभूषण ही ना, राजा आसन सैया और आवरणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए, बेसुध पड़े हुए हैं, उनको किसी प्रकार की सुध नहीं है, राम विरह में एकदम व्याकुल हो गए हैं। जब सुमंत जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और कोई भी शुभ समाचार उनको मिला इस प्रकार की प्रतीक्षा करते थे कर रहे थे, वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच सकते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से जुड़कर सोच रहे हों, यानी ऐसा लग रहा था कि राजा स्वर्ग से गिरकर अनेक प्रकार के भाव को अपने मन में सोच रहे। लेत सोच भरे छिनु छिनु छाती, जनी जनो जरी पंख परे संपाद, आशा थी उनके हृदय में इस प्रकार की आशा थी कि सुमंत के साथ कोई न कोई वापस आएगा, लेकिन वह भी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। तब राजा ने लेत सोच भरी छिन छिन छाती, राजा क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं, और जनो जरी पंख परेऊ संपादी, ऐसी विकल दशा है मानो गीजराज जटायु का भाई संपाती, पंखों से जल जाने पर गिर पड़ा हो। जिस प्रकार गीजराज जटायु का भाई जो है पंख जब उसके गिर जाते हैं तो वह जमीन पर गिर जाता है, राजा बार बार राम यानी राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही, राजा बार बार राम राम हा स्नेही, प्यारे राम कहते कहते हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी, ऐसा कहने लगे। इस प्रकार के भाव जब राजा असहाय हो गए, उनको रामचंद्र के आने का 14 साल के वनवास से पहले रामचंद्र जी नहीं आएंगे, विरह की दोस्तों जब हम बहुत ही सुखों का आनंद लेते हैं, अनेक प्रकार के राजमहल में रहते हैं, उन सुखों को प्राप्त करते हैं, उन सुखों को प्राप्त करने के आसक्त हो जाते हैं, हमारा शरीर इस प्रकार से जो है उससे उसी में रम जाता है, तो अगर हमको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो हम उस वेदना को सहन शक्ति की का हमारे अंदर, अब जब हम सांसारिक मायामोह के बंधन में बंधे रहते हैं, अगर कोई भी विकट समस्या आने पर हम बिल्कुल ही क्षीण हो जाते हैं, हमारा मन काम नहीं करता है, हमारा शरीर काम नहीं करता है, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होती है, हम विलीन हो जाते हैं, हम अपना निस्सार हो जाते हैं और शरीरहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार राजा भौतिक अनेक प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं, राम भक्ति में उनका वह भी लीन थे, परमा चौथी अवस्था थी, रामचंद्र जी का वनवास होना उनके लिए दुख का था, लेकिन अपने संकल्प और वरदान जो उनको देने थे
अपने तभी कहा है दोस्तों रघुवर यानी रघुवंश की यही रीति है कि प्राण जाए पर पसंद जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मजबूर हो गई। राजा वरदान को देने थे के कई के दृढ़ संकल्प थे, उन्हें राजा ने दृढ़ संकल्प थे और वरदान के कई ने मांगा। उसके उस वरदान को वह मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा प्रतापी थे। उन्होंने कभी भी किसी बात की जो संकल्प कर दिया उसको उससे कभी पीछे नहीं हटते थे। या इसीलिए रघुकुल की शिरोमणि कहलाते थे। प्रतापी राजा थे, शिरोमणि थे, रघुवंश के मूल थे, आधार थे, रघुवंश के नींव के पत्थर थे। तो इस प्रकार से उन्होंने वह राम विरह में बहुत ही व्याकुल हो गई। देख सचिव जय जीव कहीं की नऊ दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नही कौश मंत्र राम। तब मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर, जय जीव दोस्तों कि हमारे भगवान के प्रति यानी प्रणाम करने की, या समाचार जब हम कहीं से आते हैं तो जैसे हम नमस्कार करते हैं उसके बाद उन्होंने जय जीव कहा। और देख सचिव जय जीव कही, तब सचिव ने जो है सुमंत जी ने जय जीव करके कहकर दंडवत उनको प्रणाम किया। और सुनत उठे हूँ व्याकुल नृपही, सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत कहो राम कहाँ। तब उन्होंने कहा कि राम कहाँ है, उनके समाचार बताओ, आप राम को क्यों नहीं लाए। इस प्रकार से जब सुमंत को उन्होंने देखा तो रामचंद्र जी के क्या हाल हैं, उनके समाचार सुने, उनके बारे में पूरा वृत्तांत। तब वह कहते हैं कि सुमंत कहो राम कहाँ है। इस प्रकार के भाव करके वह बहुत ही व्याकुल हो गई। सुमंत जी यानी जो सचिव उनके थे उनको आकर देखकर राजा के हृदय में इस प्रकार का एक प्रकार के भाव व्यक्त हुए कि राम कोई न कोई आ रहा होगा लेकिन कोई नहीं आया। तब वह और दुखी हो गई और वह सुमंत जी को आता लेकर। इस प्रकार दोस्तों माता पिता गुरु प्रजा सुमंत सारी प्रजा राम विरह में इस प्रकार से व्याकुल हो गई कि सब लोग जो हैं विरह की अग्नि में इस प्रकार से विदीर्ण हो गए। सबके विरह यानी अवध जो है वन में अवध हो गया और अयोध्या पूरी शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरी अयोध्या बिल्कुल ही प्रजाहीन हो गई है, प्रजा में अनेक प्रकार के दुख हो गया, संताप हो गया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने माता पिता गुरु ब्रह्म प्रजा के सुख के लिए अनेक प्रकार के भावों को उसे सुमंत जी को समझाया था कि पूरी प्रजा का ध्यान रखना, पिताजी का ध्यान रखना, माताओं का ध्यान रखना और अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करना। मुझे जिस प्रकार से 14 साल का वनवास मिला है उस वनवास को मैं पूरा करके अयोध्या तुरंत लौटूंगा। ऐसे ही भाव सुमंत जी से राजा पूछते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों सुमंत जी जो है सचिव जो उनके राजा के थे वह राजा के पास पहुंचते हैं। और आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की मर्यादा की रचना की। तुलसीदास जी ने उस रचना को जिस प्रकार से इस संसार की सृष्टि के लिए सृजित किया वह जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक यह मर्यादा बनी रहेगी। और मानव जीवन में किस प्रकार का प्रवेश आता है और जाता है उसका पूर्ण रूप से वृत्तांत साकार रूप में किया है। इन्हीं भावों से दोस्तों हमें अपने जीवन में हमको यही प्रेरणा मिलती है आज के प्रसंग से कि हमें अपने जीवन में किसी प्रकार से भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के होने पर भी किसी को किसी बात का उल्लंघन न करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और सत्य की जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रसंग में कहा दोस्तों कि सत्य को खोजने के लिए हमको खुद को अहम को जगाना पड़ेगा, अपने आप को जगाना पड़ेगा, तब हम वास्तविक सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही सत्य को प्राप्त करने के लिए
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी संसार को सृजित करने के लिए, सत्य को जगाने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के और अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से मानव जीवन के लिए एक प्रकार के रचना करके, उस प्रकार के कर्तव्यों को करके, उस प्रकार के भावों से, उस प्रकार की सोच से और अनेक प्रकार की पीड़ाओं और कठिनाइयों और अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियों से जूझ कर चुनौतियों का सामना लेते हुए वन मार्ग में आगे बढ़े और कठिन समस्या में मानव जीवन को क्या करना चाहिए उन बातों से प्रेरित करके पूरी सृष्टि को सजो कर रखने के भाव प्रदर्शित किए। इस प्रकार दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और परमात्मा का ध्यान लगाते रहें, यही हमारे जीवन का सबसे मूल मंत्र है। और इसी से जब परमात्मा में हमारी आस्था होगी, हमको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के जिन कार्य के कार्य करते उन्होंने किए थे, लोक कल्याणकारी जो कार्य किए थे, उन्हीं कार्यों को अपने जीवन में भी चरितार्थ करने के भाव जागृत करने चाहिए, तभी हम सच्ची मानवता के प्रतीक कहलाएंगे।